अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, यानी अशोक एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने युद्ध को त्याग करना अच्छा कार्य समझा। किस वजह से इन्होंने युद्ध का त्याग किया, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम नोटों पर जो देखते हैं गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, शेर के चित्र देखते हैं, तो ये शेर क्यों बने हुए हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो शेरों वाला स्तंभ शीर्ष है, ये अशोक का चिन्ह है। इसमें हम देखें जैसे कि एक तरफ अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, इनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था, फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, जिनके पहले हम जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उसने उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, यानी कौटिल्य ही चाणक्य है यहाँ पर। चाणक्य ने कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश की बात करें, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक साथ एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, तो ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे। तो यहाँ पर जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, हमने यहाँ पर उनको लाल क्या है बिंदुओं से दर्शाया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। इन देशों के नाम हम देख सकते हैं कि जैसे कि पूरे था अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, इन सभी में अशोक का साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ था। तो का भारत के कौन कौन से मौर्य साम्राज्य से बाहर थे भारत के यहाँ पर, जैसे कि कंधार, लंपक, साहबजगड़ी, मनसेवरा, तो ये मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख की प्राप्ति स्थल है यहाँ पर जो बताए गए हैं। जैसे कि अभिलेखों का प्राप्ति स्थल क्या है, ब्रह्मगिरी, येरावडी, मस्की, सन्नाती, सोपारा, गिरनार, गुर्रीवा, सांची, सांची से लिया गया है अशोक के सारनाथ स्तंभ, जोंगड़ा, कलिंग, यहाँ पर इन्होंने लड़ाई करना छोड़ा था अशोक ने कलिंग में, यानी कलिंग के बाद में कोई लड़ाई नहीं की थी। फिर लोरिया अर्राज हम देखें, लोरिया अर्राज, यमपुरवा, लुम्बनी, लुम्बनी में गौतम बुद्ध का महात्मा जो बुद्ध है गौतम बुद्ध उनका जन्म हुआ था। सारनाथ से अशोक का स्तंभ लिया गया, कौशाम्बी, गुज्जर, यहाँ पर वहापुरा जो वर्तमान दिल्ली में है, टोपरा, मेरठ, कोलसी, और जो उस समय महत्वपूर्ण नगर थे, एक तो उज्जैन था उस समय महत्वपूर्ण नगर, एक तक्षशिला था, एक पाटलिपुत्र था, ये महत्वपूर्ण नगर माने जाते हैं उस समय के। तो यहाँ पर हम बात करें कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, इसमें साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी थी, उज्जैन था और तक्षशिला था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का यहाँ पर मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत पर जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे यहाँ पर। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, जहाँ तक कि अलग अलग किस्म की ये पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसके बारे में बात करें,
क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की यहाँ पर जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों में गांवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार या व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इससे कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। इनमें से बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जिनको वेतन भी दिया जाता। संदिग्ध वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राजा पर, राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम है कंबल के लिए प्रसिद्ध था भारत का, और दक्षिण भारत है सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? यह कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में, जैसे कि लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट की बात करें, जैसे मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो देखा उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो मेगस्थनीज तो है, यहाँ पर चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा थे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भारत आया था चंद्रगुप्त के समय। और इन्होंने विवरण दिया है, तो विवरण का एक अंश यहाँ पर दे रखे हैं कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन्हें पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में, जो आधुनिक पटना में है, इसके बारे में बताया गया है कि यह विशाल और खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसरों से घिरा हुआ था। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उसे क्यों चखते थे? क्योंकि उसके मरने का डर रहता था। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्न है? तो पाटलिपुत्र है हमारा, वो क्या है, यहाँ पर राजधानी है, जबकि मोहनजोदड़ो एक ऐतिहासिक नगर है, यानी प्राचीन नगर है। नगरीय विशेषता यहाँ पर मिलती है। और हम अंत में जंगल वाले इलाके पर आते हैं। यहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट, यानी अशोक के बारे में बात करें, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं।
वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख एक बताता है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों या मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे या पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उनके यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का एक प्राकृतिक रूप है, यानी धर्म का प्रचार किया जाए। तो कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर के अशोक के विचारों में परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसने बहुत सारी यहाँ पर हत्या देखी। अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में बात करें, जैसे कि ये एक अभिलेख है, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर इस मूर्ति को देख सकते हैं। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। तो यहाँ पर हम बात करें अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उसके युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि उनकी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसमें संवेदना थी। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म या महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर खुदवा दिए और अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या है? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते हैं तब अब उनके बच्चों का विवाह करते हैं। बच्चों के जन्म पर, यानी विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, या तो जैसे जब बीमार होते हैं तब अनुष्ठान करते हैं, अपने बच्चों के विवाह पर अनुष्ठान करते हैं, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं तब भी तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने जो ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, अपने धम्म की प्रशंसा और दूसरे के धम्म की निंदा, अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें यहाँ पर गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ही भाषा में बात करते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अशोक के धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बता सकते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्रह्म लिपि क्या होती है? आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्म लिपि से उत्पन्न हुई है। जैसे हम ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, जैसे कि आरंभिक ब्रह्मी में ए इस तरीके से लिखा जाता था, फिर देवनागरी हिंदी में ए इस तरीके से लिखा जाता है, बांग्ला में ए को इस तरीके से लिखा जाता है, मलयालम में ए को इस तरीके से लिखा जाता है और तमिल में ए को इस तरीके से लिखा जाता है। और फिर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6600 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था? इसमें साम्राज्य क्या होता है, राजधानी क्या होता है, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म, धर्म मतलब धर्म होगा। तो यहाँ पर हम देखें मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितनी हुई साल पहले हुई, 2300 साल पहले के आसपास हुई। रेशम मार्ग सहित व्यापारिक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हम देखें, जैसे कि यहाँ पर ये जो मार्ग हैं, कुछ मार्ग हैं जो चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। तो यहां पर हम बात करें, ये जो मार्ग दिख रहे हैं चीनी शासकों के अंडर में थे, भूमध्य सागर में, यहाँ पर काला सागर, भूमध्य सागर, ये रोम साम्राज्य था यहाँ पर पहले, ये यूराल नदी यूरोप में है, वोल्गा नदी, फिर काला सागर, भूमध्य सागर, यहाँ कैस्पियन सागर, फिर काकेशस पर्वत यहाँ पर है, डॉन नदी, और बाल्टिक के साथ व्यापारिक मार्ग थे यहाँ पर, बाल्टिक के साथ में व्यापारिक मार्ग। फिर ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे, जैसे ग्रीन ग्रीन जो दिखाए गए हैं ये कुषाणों के नियंत्रण में थे मार्ग, यानी ये सारे डोम नदी वाले जो पहाड़ थे कुषाणों के अंडर में थे। कुछ मार्ग हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, ये समुद्री मार्ग भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। रोमन साम्राज्यों का शासन था कई कई मार्गों पर, जैसे कि रोमन साम्राज्यों का शासन था यहाँ पर इन कुछ मार्गों पर। कुछ मार्गों पर ईरान के शासकों के नियंत्रण में थे, जैसे लाल लाल जो दिखा रखे हैं ईरान के शासक के अंदर में थे। टैंग्रिस नदी, टैसिफोन नदी है, सूसा, एक बताता, तबरेज, ये सभी ईरान के शासकों के अंडर में थे, यानी इनके नियंत्रण में थे। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी और रोमन व्यापारियों ने आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिणी भारत के पतन काली मिर्च एवं अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से दक्षिणी भारत को महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हिंद महासागर दक्षिणी भारत में है, ये मंजूरिका, मुसलीपट्टम, वेरीगाजा, ये गंगा नदी भारत के, सिंधु नदी यहाँ पर, हिमालय पर्वत श्रृंखला, तिब्बत चीन के अंदर आ जाएगा, फिर पामीर पठार है यहाँ पर आ जाएगा, जैसे पामीर पठार चीन के ऊपर, मंगोलिया, वक्कस झील, तुरफान, और यहाँ पर जैसे कि ये पाषाण साम्राज्य है, शाण साम्राज्य है यहाँ पर इधर की साइड, और अरब सागर के ऊपर शाण साम्राज्य, ताशकंद, अरब सागर इधर आ जाएगा, पामीर पर्वत, पेशावर, तक्षशिला, काबुल, ये बंगाल की खाड़ी, ये संभावित चीनी मार्ग था, तक्कोल, पोंडुका दक्षिणी भारत में है, और अरिका मेडू का एक रोमन नाम है यहाँ पर। तो पांडुका ये क्या है, एक दक्षिणी भारत में है ये पांडुका। आगे की हम बात करें, जैसे कि लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पतन
उत्तर और उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा है। इसके बाद पश्चिम उत्तर और पश्चिमी भारत तक शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे और जब तक उनके शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ और फिर उत्तर और मध्य भारत में कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत और उत्तर मध्य भारत पर शासन कर रहे थे। सातवाहन शासकों का साथ में कई युद्ध हुए हैं। लगभग 1200 साल पहले स्थापित सातवाहन शासक लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत के वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिणी भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व चोलों और चेरों और पांडवों से शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों ने दो बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की। इसके अलावा कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्के, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। ये सबके साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे हैं जिनमें सामान्यतः स्त्री पुरुष को महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का विस्तार, नए शहरों का विकास, उद्योग और व्यापार में प्रगति। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्व अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र के रास्ते भी खोले हैं। मंदिरों, स्तूपों एवं अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। जैसे सातवाहन सिक्का ये बताया गया है, ये शक सिक्का यहाँ पर बताया गया है। शकों का सिक्का इस तरीके से चलता था, सातवाहनों का सिक्का इस तरीके से दिखाई देता है।